भाई। तुम लोग कहाँ? जहाँ आपने कहा था वहीं है भाई। अपने सारे लोग आ गए क्या? हाथ में हथियार लेकर सब रेडी है भाई। वो आ गया क्या? वो अभी तक तो नहीं आया भाई। आएगा, हम लोग 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उससे बातों में उलझा कर रखूंगा, तुम चुटकी बजाते ही काम तमाम कर देना। ठीक है भाई। जहाँ तुमने कहा था मैं वहीं पे हूँ। वहाँ गुंडों ने घेर लिया है, दूसरी जगह आ जाना। क्या गुंडे लोग? ए, तुम फालतू में टेंशन दे रहे हो। तू क्या मुझे बंदर समझ के नचाना चाहता है? टेंशन क्यों ले रहे हो? आइटम चाहिए या नहीं? ए भाई, वो अभी हमें दूसरी जगह पे बुला रहा है। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो। ए, पहले आइटम हाथ लगने दे, तब तक के लिए थोड़ा सब्र कर। छे, फोन ही नहीं उठा रहा है वो तो। ए, गाड़ी में बैठो, जब तक बोलो नहीं नीचे मत उतरना। उसी का फोन आया है। ए, कहाँ है तू अभी? तुम तो बहुत जल्दी आ गए, मैं तो अभी तक निकला ही नहीं, बस अभी निकल ही रहा हूँ, समझा? ए, ए, लगता है तू हमें ठीक से जानता नहीं है, इसीलिए दौड़ा रहा है ना? मिल गया ना तो खून से नहला दूंगा। जब तक मैं उनकी आंखों से बचा रहूंगा मैं सेफ हूँ। ये खेल ही कुछ ऐसा है, सब कुछ तेरे लिए। संसार में जिसके पास पैसा है वो अल्टीमेट है, जिसके पास पैसा है उसे ही सोसाइटी में प्यार मोहब्बत सम्मान सब मिलता है। बिना पैसे के इंसान एक लाश से भी बदतर है। मैं अर्जुन। अर्जुन बोल रहे हैं? जी हाँ। सुना है आप बाइक बेचना चाहते हैं? जी, हीरो एक्सट्रीम बाइक है। कौन सा कलर? ब्लैक कलर है। और उसका नंबर? हाँ, फैंसी नंबर है, 6555। मॉडल कौन सा है सर? इसी साल का है, 2018। ओके सर, कॉल करूंगा तो बाइक ले आना। थैंक यू। रेट वो सामने बैठकर बात कर लेंगे। हेलो, आज बाइक देखने मिलेगा? मैं तो इस वक्त ऑफिस जा रहा हूँ, लंच आवर में आकर मिलता हूँ। कहाँ पर सर? राजकुमार में। आप तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आ गए। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ सर। गुड। यही गाड़ी है क्या? जी हाँ सर, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं सर। बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है सर। आप यहीं ऑफिस में काम करते हैं क्या? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक कार ले लूँ, तो आज ये मौका मिला है। ये अर्जुन कौन है? मैं हूँ सर, मैंने सुबह कॉल किया था, मेरा नाम देवा है। Hello? मैं मैकेनिक को लेकर आया हूँ, आप की दे देते तो। सर की, आप गाड़ी चेक कर लीजिए, तब तक मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। ओके। चेक करने की क्या जरूरत है, सीधा ले लेता। सर कौन सा मॉडल है? 2018 का है। आप ब्रोकर हैं क्या? ओनर हूँ मैं। मैं बाइक ले जाने के लिए आया हूँ। भाई लगता है ये सच में गाड़ी ले जाने आया है। गाड़ी की कंडीशन कैसी है? सर सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर, सुपर सर। आंख बंद करके ले लीजिए सर, एकदम शोरूम से निकली हुई गाड़ी लग रही है सर। सच कहूं तो एकदम फर्स्ट नाइट वाली लड़की जैसी। ऐसी गाड़ी तो चिराग लेकर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी सर। मैं तुझे यहाँ लाया हूँ, तू इनसे क्या बात कर रहा है? मान लो भाई, अगर ये गाड़ी खरीद लेते हैं, मतलब ये नहीं कोई और, तो गाड़ी में अगर प्रॉब्लम आ गई तो मैकेनिक कौन है? काम तो मुझे ही मिलेगा, है ना सर? एक मिनट भाई, जरा यार, मैंने सिर्फ गाड़ी के बारे में बात किया है, उसके रेट के बारे में नहीं। अब क्या है कि गाड़ी को कम रेट में दिलवा दूं, यही चाहते हो ना? तो चिंता मत कर, एक पार्टी है उससे तेरी डील करवा दूंगा। ओके। तो सर आप चिंता मत करें, हमारी तरफ से ओके सर। लेकिन आप बीच में आकर क्यों टांग अड़ा रहे हैं सर? सर ये गाड़ी मैं आपको दिलवा दूं तो मेरा कमीशन कैसा होगा? वैसे मैं एक इमरजेंसी काम के लिए बेच रहा हूँ, 35। क्या? मैं उतना पे कर दूंगा। हेलो, फर्स्ट मैं आया हूँ। गाड़ी जबरदस्त है, तुम एक साल से कह रहे थे ना दिला दो। हाँ?
चीटिंग, फ्रॉड, 420 या चोरी से जो समझ रहे हैं समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है देवराज, यह है प्रकाश, हम इसे प्यार से मुर्गा कहते हैं। मैं जो भी कहता हूँ ये करता है, इसलिए मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ। कहीं मारपीट की जरूरत पड़े तो हम तीनों मिलकर ही करते हैं। हमें पता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन क्या करें, हमारा परिवार हम पर ही तो डिपेंड है। हम खाए या ना खाए, लेकिन घर वालों के लिए पैसा भेजना ही पड़ता है। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो घटनाएं घटती रहती हैं। जो हम सोच रहे हैं वो कभी नहीं होता, और जो हम कभी भी नहीं सोचते वो अचानक हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में अपना समझ कर या अपना बनकर कोई आई है तो वो है एक लड़की जो आज भी मेरा इंतज़ार कर रही है। आज मैं फिर से वहीं पर पहुंच गया हूं जहां से शुरुआत हुई। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हम दोनों की आंखों में आंखें डालकर बात हुई थी। वो क्या चाहती है वो मैं सोच ही रहा था, तभी उसने मुझे एक अच्छी सी स्माइल दे दी। जब वो मुस्कुराई तब हम खामोश कैसे रहे। मैंने अपनी रेंज में स्माइल दे दी, तब हमें पता चला कि स्माइल मैं अकेला नहीं दे रहा था, मेरे साथ दो और पंटर हैं। दोनों में से कोई ना कोई तो एक उसे अपने जाल में फंसा ही लेगा, इसलिए मैंने खुद ही उससे बात की। अब मैंने पहले आपको कहीं देखा है, धोबी घाट पर तो नहीं ना? नहीं मैडम, कमर्शियल स्ट्रीट में, वहाँ से थोड़ा आगे लेफ्ट में मुड़ने के बाद पजल मार्केट में। ए, और नहीं तो क्या, ये वहाँ खरीदारी करने थोड़ी ना आने वाली है। मैडम शिव जी का मंदिर है, वहाँ से दो कदम दूर राजा जी के मंदिरों का शहर, किसी से पूछ लीजिएगा। हम परिवार का घर, वहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो गुरुपल्ली सर्कल के पास 18 नंबर का बस स्टॉप है। वहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे 15 क्रॉस रोड सेकंड फ्लोर पे, डोर नंबर 32। मैडम हम तीनों एक ही रूम में एक साथ ही रहते हैं, उस एरिया के लोग बहुत अच्छे हैं। मैडम वहाँ डॉक्टर राजकुमार जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है उसके पास ही, समझ गई ना मैडम? मुझे मैडम कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं। I am Michelle DeMello. Nice name. वैसे आपका सही नाम क्या है मैडम? Michelle DeMello. It's an Anglo-Indian name. यार ये तो बहुत टेढ़ा नाम है, प्रैक्टिस करूंगा तो साल दो साल में सीख जाऊंगा। तेरे पल्ले कुछ पड़ा गया? आप अपने बारे में नहीं बताएंगे? अब वो मैं अर्जुन है और वो देवा, और मैं नो ऑस्टिन डिकोस्टा। क्या ऑस्टिन डिकोस्टा? मैं भी इंडियन एंग्लो हूँ, वैसे लोग मुझे प्यार से प्रकाश कहते हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं मेडिकल रेप करता हूँ। ए रेप नहीं यार, रेपो। सॉरी वो एक्चुअली फ्लो में निकल गया, यू नो क्रोसिन, एनासिन, नॉलजिन, आसिन, यूजिन, प्रोजिन। ओके ओके, इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम रहता है ना? जी वो जी भर के सोने का टाइम मिल जाता है मैडम। मेरे पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है। अच्छा, सोने पर टाइम लगाने से अच्छा इसमें लगाओगे तो फायदेमंद रहेगा। आपको इंटरेस्ट है क्या? मैं तो रेडी हूँ मैडम, पता नहीं इन लोगों के पास टाइम है या नहीं, मैं तो फुल टाइम फ्री हूँ। नहीं, मतलब हम तीनों है? तो फिर आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, 9845862222। ठीक है मैडम। फैंसी नंबर है, एक मिस कॉल दूं क्या? एक्सक्यूज मी, आपका नंबर क्या है? वो क्यों? इमरजेंसी के लिए। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। आपको ज्यादा बात करना पसंद नहीं? नहीं, ये बहुत शर्मिला है, लड़कियों से तो 100 मील दूर रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो नॉटी क्यूटी हूँ, मैं हर काम में आगे रहता हूँ। यार हम लोग ऐसे कब तक चिंदी चोरी करके जीते रहेंगे? लाइफ में ना एक बड़ी मछली को फंसा कर सेटल हो जाना चाहिए। बड़ी मछली? ट्रैफिक पुलिस को देखते ही तेरा पैंट गीला हो जाता है, ऐसे में तू बड़ी मछली फंसाएगा? पहले शीशे में जाके अपना चेहरा देख, दोबारा देखने का दिल नहीं करेगा। ये कैसा दूध है यार, उबल ही नहीं रहा है। डेयरी का ही तो है, फिर उबल क्यों नहीं रहा है? जब तक हम छोटी मछलियों को फंसाते रहेंगे तब तक हम सेफ हैं। अंडरवेयर भी नहीं पहना। अरे मैंने यहाँ अंडरवेयर रखा था, कहाँ है यार? वो मैंने पहन लिया। तुझे मजाक लग रहा है? ए, अंडरवेयर कहाँ है मेरा? मैंने पहन लिया यार। चल अंडरवेयर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आज वैसे ही पैंट पहन लूंगा।
घर के ओनर ने किराया मांगा है, मैंने एक दोस्त से पैसे मांगे थे, उसी ने फोन किया, मैं जाकर आता हूँ। ए, परसों मैंने अपना एक ब्लू और ब्राउन कलर का शर्ट उतार के रखा था, उसमें 1000 रुपए थे, दिखाई नहीं दे रहा था कहीं। तूने मेरी शर्ट क्यों पहनी हुई है? मेरी शर्ट क्यों पहनी है? तू कहीं भी ढूंढ ले, तुझे नहीं मिलेगा, मेरी जगह मुझे पता है। चलता हूँ, बाय बाय। कहाँ जा रहा है? वो हमारे गांव के पटेल जी के मुंशी का बेटा नारायण स्वामी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और वो फुल सीरियस है, बेचारे को ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, मेरा भी सेम ग्रुप है, अब मैं खून देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ब्लड से पाउडर का क्या संबंध है यार? वो नर्स बेहोश ना हो जाए पसीने की बदबू से, सॉरी मुझे ब्लड देने जाना है, देर हो रही है। संभल के पैंट नीचे ना उतर जाए। देर नहीं है यार, टाइम हो रहा है, मैं जाकर आता हूँ। टाइम क्या हुआ भाई? 4 बज गए। थैंक यू। अब क्या टाइम हुआ भाई? बताया तो 4 बज रहे हैं। अभी भी 4 ही बजे? सर लगता है आपकी घड़ी खराब हो गई है। कोई बात नहीं, 4 बज रहा है, यू ओके। सर एक बार और टाइम देखिए ना। अरे कैसा आदमी है यार, एक बार बोला तो समझ में नहीं आया, और कितनी बार बताओ। गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? मोटा कलिंगर का छिलका, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? अरे भाई गुस्सा मत हो रहा भाई। हे परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे भगवान आप मेरी। अरे मैकेनिक साहब आप यहाँ हैं? आप इतना घबराए हुए क्यों? अंकल आप। हाँ भाई मैं ही हूँ, उस दिन गाड़ी दिलवाया था ना तुमने, या भूल गए? इस मैकेनिक ड्रेस में बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम। हाँ क्या दिमाग है अंकल, दुखती हुई रख को सही पहचान लेते हैं आप, समझे या नहीं? तुम जैसे इंसान को कोई भूल सकता है क्या? ऐसा मैंने क्या किया? यहाँ भी कोई बाइक देखने के लिए आए हुए हो? बाइक? हाँ मेरी। हाँ वो बाइक के पास खड़ा है ना तुम्हारा दोस्त, वही। आप उसे भी नहीं भूले क्या? हेलो ब्रदर, चेहरा मत छुपा, इधर आ जा, सब कुछ पता चल गया है, किसी को नहीं भूले, माइंड में स्टोर करके रखे हैं। ये भी सही है कि अकेले अकेले क्यों खाए, मिल बांट के खाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। वो बाइक खरीदने वाले आप ही है ना? क्या बाइक लूंगा यार, जिस दिन बाइक ली उसी दिन गायब हो गई। गायब हो गई? किसने किया सर? पता नहीं, मैंने पैसे दिए उसने बाइक दी, बाइक ले जाकर मैंने अपने घर के सामने खड़ी कर दी, बेटे को लाने से पहले ही डुप्लीकेट की से वो गाड़ी ले उड़ा। आरटीओ जाकर जब मैंने वो नंबर चेक किया तो वो गवर्नमेंट बस का नंबर निकला। कैसे 420 लोग हैं यहाँ आजकल, किसी पे विश्वास रह ही नहीं गया। ऐसे गिरे हुए काम करने से अच्छा तो कहीं भीख मांग के आदमी खा ले, अगर कहीं वो मेरे हाथ लग गया ना तो छोड़, उसे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, बॉडी से सर। ये मैं हूँ भाई, दिमाग ठंडा करो अपना, तुम तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। तुम जैसे इंसान इस शहर में है तभी तो इस शहर में इतनी बारिश होती है भाई। नहीं मैं लोगों के साथ नाइंसाफी कर सकता हूँ, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शांत हो जाओ। इस भाई साहब को बाइक दिलवा दी? अभी तक नहीं खरीदी सर। क्या बड़े भाई, अरे बाइक छोड़ो अंदर जाओ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कार ही लेकर उड़ जाओ ना। चलता हूँ भाई। जैसे खट्टा अमला खाने के बाद दांत मीठा हो जाता है ना, ये आदमी वैसा ही है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। यार कार ले जाने के लिए उसने कहा, आखिर अंदर ऐसा क्या होगा? चला देखते हैं। हम लोगों के साथ डबल गेम खेलते हैं और ये हमारे साथ ट्रिपल गेम खेल रहा है यार। हम सब यहाँ किस लिए आए हैं? जीतने के लिए आए हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है, और वो राह है हमारा प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट से आपकी लाइफ बदल जाएगी। Ah.
नेम दीपा ओके अर्जुन इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं जब से यहाँ आई हूँ ना सच में ज्यादा कमाने लगी हूँ तुम भी अच्छा खासा कमा सकते हो तुम्हारे अंदर टैलेंट है पैसे दो ना प्लीज कितने चाहिए ओनली 4500 प्लीज यार जोकर आया है जोकर से अकेले फायदा नहीं होगा साथ में जोड़ी भी होनी चाहिए अभी तीन चाहिए कितना तीन 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 प्यारे चल तू भी खेल ले ए, इसके पास पैसा कहाँ होगा यार जितना पैसा था उसने तो खरीदारी करवा दी चेहरा देख के पता नहीं चल रहा इसका देखना क्यों बे मेरी टांग खींच रहे हो हम कहाँ टांग खींच रहे हैं यार तू खुद ही चेहरा उतार कर ऐसे बैठा हुआ है तो हम क्या करें मुर्गे तू ब्लड देने के लिए गया था ना और तू कर्जा लेने को गया था सब कुछ तो पता है मुझे अरे छोड़ ना यार हर बात को दिल से लगा लेता है ये है ही वैसा फिर से ये पुरानी कहानी शुरू कर देगा मेरे पास पैसा नहीं है सोचा आज रात को दूध पी के सो जाऊं भैंस वाली चाची जो है वो भी ताला लगा के कहीं चली गई है वैसे वो आंटी मुझसे पैसे लेके टूर पे गई थी देखता हूँ वो आई है कि नहीं हाँ जरा देख कर बड़ा भारी है ब्यूटीफुल एंग्लो इंडियन प्रसाद अरे साबुन भी है 4500 रुपए के पीछे जीएसटी लगा करके भी हम चाहें तो ऐसी शॉपिंग नहीं कर सकते लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हम टोपी बाजों को भी टोपी पहनाई किसी ने 4 साबुन भेज दिया भाई इस साबुन से अच्छी तरह से मलमल के नहाएंगे तो पूरा मोहल्ला महक उठेगा 4000 की महक 4 साल तक रहेगी क्या यार 4000 रुपयों से रूम का किराया भर देता तो हमारा मकान मालिक स्माइल करता लेकिन तूने उस लड़की के चक्कर में रुक मैटर कुछ और है मैं बताता हूँ क्या कांदे मैं तो पहले ही चल रहा था इन दोनों ने उस पर पेट्रोल डालने का काम किया किसी भी तरह उस लड़की से 4000 रुपए वापस लेने हैं ये मैंने डिसाइड कर लिया लेकिन उसके मुस्कुराहट में मैं डूब चुका था उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत दिल किया कि जिंदगी भर उसे अपना कर उसकी बहन यह है गजेंद्र ये अपनी औरत के नाम पर चिटफंड कंपनी खोलकर दुनिया को टोपी पहनाकर जेल गया था लेकिन अब वो छूट कर आ गया है ये जॉनी है यही है उसका मार्गदर्शक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी कोई नहीं जानता कि ऐसा कोई काम नहीं है जैसे कि डुप्लीकेट पासपोर्ट पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में ये मास्टर है हम जैसे 100 के बराबर ये अकेला है इसने एक दिन कोई काम है कहकर मुझे बुला लिया और मैं गया क्या हुआ बैठ जाओ बेटा अर्जुन चार माले की बिल्डिंग है सेकंड फ्लोर में पूरा ज्वेलर्स है तुम्हें जाना होगा सेकंड फ्लोर में पता है क्यों क्योंकि मेन लॉकर जो है वहां है किसके यहाँ श्री साई ज्वेलर्स जो डीवीजी रोड में है वही एकदम करेक्ट जॉनी ने जो दुकान बताई वो बहुत ही पॉपुलर है दुकान से भी ज्यादा पॉपुलर उसका ओनर है शक्तिवेल बहुत ही पावरफुल आदमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर सारे नेता उसकी मुट्ठी में है वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है उसमें उतनी ताकत है ये काम इतना आसान नहीं है क्यों क्या हो गया हम मच्छर मारने वालों में से हैं हाथी को मारने की ना ही इतनी हिम्मत है और ना ही उतनी ताकत अरे जरा रुको तुम इतनी जल्दी पीछे क्यों हट रहे हो अर्जुन जरा ठंडे दिमाग से सोचो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता अच्छी तरह से सोच के मैंने फैसला किया है इंसान की जरूरत पूरी होनी चाहिए ज्यादा लालच ठीक नहीं है जाना है तो जा मेरे पास तेरे बाप लोग भी पढ़े हैं समझा मुझे वो ही चाहिए क्यों क्योंकि हमारा प्लान उसे पता चल गया इसलिए वो बहुत ही अच्छा लड़का है मैं पिछले 20 साल से उसे जानता हूँ वो मुंह खोलने वालों में से नहीं है ऐसी बात नहीं है मुझे सिर्फ वो ही लड़का चाहिए चल मुर्गा क्या हुआ बस एक शिकार था तो ना कह दिया
ए क्यों मना कर दिया यार, तू हाँ कर देता तो लाइफ सेट हो जाती यार। कमिश्नर के घर पे डाका डालना है। ऐसा हो सकता है? ए फिल्मों में देखा है ना, बिल्ली के म्याओ करने से भी कमिश्नर की पेंट गीली हो जाती है, फिर हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। हेलो। हाँ हाँ, मैं यहाँ पर बैटनपुर में हूँ। ओके 15 मिनट्स। ओके ठीक है, आता हूँ। ओके ए उतर मुर्गा। क्यों? तो उतर, मुझे कुछ काम से जाना है। अरे लेकिन क्यों? काम है। रास्ते पे उतर जाऊंगा, चल ना यार। अब तो चुपचाप उतरेगा। ए एक एंग्लो इंडियन के लिए इंडियन की इंसल्ट कर रहा है, कैसा दोस्त है यार? ए सुन, तू कितनी जल्दी समझ गया, मनहूस की औला, चल। एक काम कर, पीछे बैठ। ए लड़कियों से दोस्ती करना अच्छा नहीं है, सर पे मत बैठा उसे वरना गिरेगा। हाय। हाय, हम कब से वेट कर रहे थे, जल्दी नहीं आ सकते थे? मुझे तो बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। ओके चलो मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। किससे? तुम्हें डाउनलाइन में 3 लोगों को मेंबर बनाना है, तुमने अब तक एक भी नहीं बनाया है, तुमसे होगा भी नहीं, इसलिए मैं 2 लोगों को यहाँ लेकर आई। तुमने इसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया? और नहीं तो क्या, यहाँ मुर्गा काट कर उसकी बिरयानी बनाने के लिए? नहीं यार, बहुत देर हो गई यार, थोड़ी देर और वेट करते हैं। अरे आ गए। हाय। हाय, दिस इज अर्जुन। हाय अर्जुन। दिस इज कुमार एंड प्रसाद। हाय अर्जुन, ये लोग तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं, तुम लोग एक काम करो, अपनी नंबर एक्सचेंज कर लो, फिर बिजनेस प्लान क्या है और उसमें कितना बेनिफिट है ये कॉल करके पता लगा लेना। देखो तुम दोनों अर्जुन के डाउनलाइन मेंबर बन जाओ, फिर देखना लाइफ कैसे चेंज हो जाती है तुम्हारी। क्या मैडम, आप भी, आपके साथ ज्वाइन करने के लिए पिछले 1 घंटे से खड़े हैं और अब आप इन्हें यहाँ लेकर आकर कह रही हैं कि इनके साथ ज्वाइन हो जाओ, ये क्या है मैडम? तुम लोग किसे ज्वाइन कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी इम्पोर्टेंट है। नहीं मैडम, हम आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। देखो एक के साथ सिर्फ 3 मेंबर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ ऑलरेडी 3 हो चुके हैं। सॉरी अर्जुन, इन दोनों को तुम संभाल लो, ठीक है ना? सुना छोटे, मैडम के साथ ऑलरेडी 3 लोग जुड़ चुके हैं और हम 2 जुड़ गए तो 5 हो जाएंगे, बेचारी मैडम को मेंटेन करने में तकलीफ होगी, है ना मैडम? अबे क्या नहीं छोड़ेगा, सारा प्लान बर्बाद कर दिया तुमने। छी, पता है कितनी मुश्किल से उन्हें कन्विंस करके मैं यहाँ लेकर आई थी और तुम हो कि उन्हें मार कर भगा दिया, जरा भी अकल नहीं है ना? अरे पागल, तुम्हें पता है उसने किस अंदाज से बात की थी? शरीफ घर की लड़की होकर गली गली भटकती रहती हो और बिजनेस के नाम पर सड़क छापों को पटा लेती हो। इंसान को पैसों की जरूरत है लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए, धू है तुम्हारी जिंदगी पर। आवारा कुत्तों की जिंदगी जीने से अच्छा इज्जत से मर जाना ठीक है। अरे तुम्हारे पीठ पीछे वो लोग तुम्हारे शरीर के किस किस हिस्से को देखते होंगे। सॉरी 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 सॉरी, क्या कहा तुमने? देखो सॉरी, मैं पूछ रही हूँ क्या कहा तुमने? सॉरी, गुस्से में मेरे मुंह से ये सब निकल गया, सॉरी। सॉरी मुझे पता है कि तुमने मुझसे ऐसी बातें क्यों की, हर मर्द मुझे देखकर हंसकर क्यों बात करता है ये भी मैं जानती हूँ। अब मेरा काम ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ अर्जुन, अगर मैं सबसे हंसकर बात करूँगी तभी तो मेरा काम बनेगा ना। हमारे देश में हर काम करने वाली लड़की को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लोग हमसे तरह तरह से बात करते हैं और अलग अलग नजरों से देखते हैं, मैं ये सब जानती हूँ अर्जुन। सब कुछ जानकर भी अनजान रहना पड़ता है हमें, जहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है वहाँ वो भी करती हूँ मैं। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को हम लोग सीरियसली लेंगे तो देश की कोई भी लड़की ना तो स्कूल जा पाएगी और ना ही काम कर पाएगी, पता है तुम्हें? अब तुम्हारी ही बात ले लो, मेरा एक फोन कॉल आते ही तुम जहाँ भी हो अपना काम धाम छोड़कर मैं जहाँ बुलाती हूँ मुझसे मिलने आ जाते हो, और तुम ये सब क्यों करते हो ये मुझे नहीं पता क्या? मैं 7 साल की थी अर्जुन, तब मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया, उन्होंने किसी फाइनेंस कंपनी में पैसे लगाए थे, वो पैसा उनका भी नहीं था, ब्याज में कई लोगों से उधार लेकर उन्होंने बहुत सारे पैसे उस कंपनी में लगाए, उसके बाद कंपनी डूब गई, पैसा तो गया ही साथ में पापा भी चले गए, उनका कर्ज कौन चुकाता? अगर मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी करती तो 15,000 से ज्यादा नहीं मिलता, वो तो ब्याज के लिए भी कम पड़ता, और फिर असल
जैसा कि तुमने कहा वैसे मैं अपना जिस्म बेचकर पैसे कमा सकती थी। सॉरी, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया। तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकते हो? सॉरी। आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी को सॉरी नहीं कहा, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिमाग हिल गया। क्यों? इससे पहले तुमने किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे हैं क्या? नहीं, मेरी दुनिया ही अलग है। थैंक यू सो मच। वो क्यों? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। सॉरी, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर कर दी। अरे वो बाहर गई है तो आ जाएगी, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं आप? कौन है ये? आपस का मामला होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? आज बुधवार है ना, जरूर कोई मेहमान आए होंगे, कर्जे की बात होगी। कर्जा लेते हैं हम लोग और लड़ाई होती है उनके बीच। चलो चलकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ बाबा, मुझे इन सब की आदत हो चुकी है, जाओ ना। तेरा घर कहाँ है? अबे तू कहाँ चला गया था? कितनी देर से तेरा फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा है, बैटरी डेड हो गई है। क्यों? उसने कहा ना एक बार कि उसका फोन बंद हो गया था, फिर बार बार क्यों पूछ रहा है? अबे यार तू अपना मुंह बंद करेगा। ठीक है। देख यार, कोयम्बटूर से बेंगलुरु एक आदमी कैश ला रहा है, ब्लैक मनी, प्लान करके उसको उड़ा लेते हैं यार। कितना है? अबे 20 लाख रुपए। अबे कुछ तो बोल। वो जवाब भी नहीं देगा और वो काम भी नहीं करेगा। वो जब कुछ नहीं बोलता तो समझ ले कि वो काम नहीं करेगा, और जब करना होता तो वो बोल देता है। उसे नहीं करना इसलिए वो चुप है। ऐसे घूर क्यों रहा? मुझे सूसू आ जाएगी यार, प्लीज। अबे सुन, 20 लाख रुपए हैं यार, इनफॉर्मर के 2 लाख रुपए बाकी सारे हमारे हो जाएंगे भाई, हमारी बाकी की पूरी जिंदगी आराम से सेट हो जाएगी, कुछ तो बोल। अबे क्या हो गया तुझे? हे अर्जुन, तुम अभी तक सोए नहीं क्या? 10 लाख मिल जाए तो तुम्हारा कर्जा मिट जाएगा ना? क्यों? वही मेहमान। तुम्हारी लाइफ में क्या कम प्रॉब्लम्स हैं? तो मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो? पहले तुम 3 मेंबर्स को अपने साथ जोड़ लो और बिजनेस पर ध्यान दो। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। ए, मेरे पैर में खुजली हो रही है। अबे तेरा नौकर हूं क्या मैं? क्या पूजा करता रहता है? इनफॉर्मर कौन है यार? क्या तू इस काम के लिए रेडी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो इनफॉर्मर कौन है इसे नहीं पता है, प्लान ये बना रहा है और हमें सिर्फ इसका साथ देना है। अबे वो अच्छा आदमी है, हम लोग बस। पार्टी कब आ रही है? कल शाम को यार। उनकी कोई फोटो है क्या? अबे उसका नाम मनी है, ये देख। किससे आ रही है? ट्रेन से। काम नहीं होगा। नेक्स्ट। टैक्सी। नेक्स्ट। सिग्नल। बैंगलोर में हजारों सिग्नल्स हैं। मैजेस्टिक सिग्नल में। पुलिस। स्टार होटल। फिक्स। नमस्ते सर। नमस्ते। बैग दीजिए। थैंक यू सर। नमस्ते सर।
पैक दीजिए सर। क्या? स्कैनिंग के लिए सर। थैंक यू सर। हाय, वेलकम टू इंडिया। सुन लिया, लका सुना, कमानिया, जूलिया, जूलिया। ए, इंडियन के लाद विदेशी कब से बन गया? ओ, लगता है मेरे बाप की सुहागरात का सेज आपने ही सजाया था। तो भी तू आप इतना करेक्टली पहचान गए। ए, चल जा। ओ, ओके, ओके। बॉस, 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 हेलो बॉस, बॉस। दोनों बैग एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए बदल गए हैं। सॉरी। थैंक यू बॉस। अर्जुन, सब ओके है ना? ऑपरेशन इज डन, उसे पहचान लिया, अब आगे जो भी करना है समझ कर करना। सब आकर हाथ से निकल गया। क्यों? बैग तो तूने उठा लिया था ना? लेकिन उसने वापस ले लिया। क्या? क्या? ये तू क्या कह रहा है? ये कैसे हो गया यार? हाँ था, एक चीज निकल गई। बैग मिलते ही तू भाग क्यों नहीं गया वहां से? ए, तुम लोग जरा चुप रहोगे? शिट, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। मुर्गा, कहाँ है तू? यहीं पे हूँ यार। मणि बार काउंटर में जा रहा है, उस पर जरा नजर रख। ओके। देवा, हाँ? तू लॉबी में जाकर वेट कर। ओके। दोनों टेंशन मत लेना, मेरे साथ लाइन में बने रहो। ओके, ओके। हे अर्जुन, हाय। हाय। मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। 1 मिनट रुको, मैं जरा बिजी था। एनीवेज, चलो मीटिंग में चलते हैं। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, समझा करो प्लीज। आज तुम कहो? बहुत खास इंसान से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। चलो। ए, अरे कहाँ? यार, लेडीज वॉइस है। ए, तू जरा चुप रहेगा। What? सॉरी, तुम्हें नहीं, कोई मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है ना, समझा करो प्लीज, मुझे जाना है। सुबह से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही हूँ अर्जुन, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे ना। अरे नहीं प्लीज। चलो। हे भगवान, हमारे दोस्त को प्रेफरेंस मिल रहा है। लो, एंग्लो इंडियन हमारे दोस्त को उड़ा ले गई। अब तो उसका फोन नॉट रीचेबल ही बताएगा। आओ अर्जुन। बकवास बंद करो। नहीं कुछ नहीं। बॉस, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। ही सर। नमस्ते। अर्जुन, हेलो। ये शिव कुमार और ये है सुरेश कुमार। हेलो सर। अर्जुन, 5 साल पहले ये तुम्हारे जैसे ही थे और आज देखो कितने बड़े आदमी बन गए हैं। तुम भी बिल्कुल इनके जैसे ही बनो, मैं यही चाहती हूँ। हाँ सर, क्यों? आज ही मौका मिले तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अर्जुन। माँ, ये अर्जुन है। नमस्ते माँ जी। सौम्या हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मिस मत करना बेटा। श्योर, थैंक यू। नमस्ते। सास का लायक दमाद। तुझे कोई कीड़ा काट रहा है क्या? और नहीं तो क्या यार, जब से आया हूँ बस यही देख रहा हूँ। वो दोनों माँ बेटी मिलके तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल के सपनों की दुनिया में ले जा रही हैं। उन्हें बताओ कि हमारे पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अरे, यहाँ ये टोपी मेरे लिए पड़ी है। ठीक है ठीक है, इस वक्त कहाँ है? और क्या, ससुराल के बाहर में हूँ। मैं लॉबी में हूँ। मणि, वो कुछ ही दूरी पे मेरे सामने बैठा है। और उसके साथी? उससे कुछ दूरी पे बैठा है। वो कौन है? मुझे क्या पता वो कौन है, वो कोई मेरा रिश्तेदार है क्या? लेकिन वो लोग इशारों इशारों में कुछ बात कर रहे हैं। उसके साथ कौन है? वो भी तेरे जैसा एक खूबसूरत लड़की को लेके बैठा है। वो लड़की इतनी खूबसूरत है, उसकी जैसी मुझे एक मिल जाए, जिंदगी सुधर जाए यार। सच कह रहा हूँ। मुर्गा, सपनों की दुनिया से निकल कर बाहर आ। ठीक है, उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं तेरे पीछे लगा हूँ। ओह शिट। हेलो अर्जुन। हाँ? बात हो गई? हाँ? बात खत्म हो गई? हाँ? ना चलो। लेकिन कहाँ? चलो, तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना है। चलो। ही इज मिस्टर पद्मनामन। हेलो सर, नाइस टू मीट यू सर। मुझे जरा जरूरी काम है, मैं बस अभी आता हूँ। बाय। यार, उसका साथी वहाँ से चला गया है। मणि, वो भी बाहर जा रहा है। उसके पीछे पीछे तू भी जा। ओके ओके। सुनो, ये कैप मेरी है, जरा ध्यान रखना। अपने लड़के कहाँ पर हैं? बाहर चाय के ढाबे पे चाय पी रहे हैं। और मक्खन कहाँ है? वो लड़कों के साथ बाहर। भाई भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ। मैं भी जूस पीने नहीं आया हूँ, मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ। कैरी ऑन कैरी ऑन। भाई, नीचे क्या लटक रहा है? बेल्ट है। यार, मड़ी अपने दोस्त से कुछ बात कर रहा था, मुझे देखते ही चुप हो गया। अच्छा, वो दोनों अपना फेस वॉश कर रहे हैं और मैं सुसु कर रहा हूँ। पूरी कर ले। ओके।
यार वो लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा तीन बोतल बियर पिया है ना, कुछ ज्यादा ही निकल रहा है, मुझे लेट होगा, आप जाओ। यार मणि भी यहाँ से बाहर जा रहा है, बट एक कार्ड को जेब में रखा है, ऐसा लगता है कि वो छोड़ के गया होगा। देवा तू कहाँ है? लॉबी में। वो दोनों? एक मेरे सामने आ रहा, दूसरा कहीं और जा रहा है। मुर्गा हाँ उसे फॉलो करो। ओके यार मड़ी सीधा बाहर गया और दूसरा बार काउंटर पे गया। अब तू एक काम कर, लिफ्ट के पास जा और ऑब्जर्व कर कि वो कौन से फ्लोर पे जा रहा है। ओके देवा तू वही है ना? तू और मुर्गा दोनों मेरे अगले कांटेक्ट के लिए तैयार रहना, रेडी हो जाओ। ओके हेलो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अभी वो फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर और ऊपर जा रहा है, सिक्स्थ फ्लोर, डोर ओपन हुआ। यार रूम नंबर 6001। ओके व्हाट नेक्स्ट? वेट वेट ओके मुर्गा कहाँ है? तू एक काम कर, कौन है यार इसमें? हेलो जाकर सो गया क्या? हाँ नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। कहाँ है तू इस वक्त? भाई मैं रूम में हूँ, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। रूम से जल्दी नीचे आ। आ रहा हूँ भाई। अबे तू नीचे यहाँ क्यों आया है? भाई आप ही ने तो बुलाया कि नीचे आओ। मैंने कब बुलाया? आपके मोबाइल से कॉल आया था, कहा नीचे आओ। मेरे मोबाइल से? अबे ये कैसा कार्ड है? ए भाई ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। तू रूम से जल्दी नीचे आ जा। यार वो दोनों लिफ्ट के अंदर गए हैं, किसी विंग में जा रहे हैं। तू टेंशन मत ले, मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी भी ढूंढ रहे हो? हे वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं। हे सेकंड फ्लोर, भाई थर्ड फ्लोर भी, भाई फोर्थ फ्लोर पे चले गए। हे अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बाहर आ जा। भाई वो फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच गए, कहीं नहीं दिख रहा है यार। लगता है इधर पूरा फंस गए। प्लीज यार प्लीज बाहर आ जाए जल्दी से। अबे रुक ढूंढ रहा हूँ ना। फाइनल फ्लोर यार मिल गया। ओके हम लोग पार्किंग में मिलते हैं। अच्छा सीढ़ी से यार पकड़ उसको। पार्किंग में जल्दी आ। यस मुर्गा कैच। ए कौन है तुम लोग? तुम लोग निकलो।
अरे बाइक स्टेट हो गई, जल्दी आ जाना। अर्जुन मैं यहां पर हूं, तू ठीक है ना यार? कुछ हुआ तो नहीं ना? मुर्गा कहां है? मैं यहां हूं। मैं कितने सालों से तुम्हें जानता हूं पर फाइट पहली बार देखा। क्या फाइट करते हो यार, सबकी बैंड बजा दी तूने। देखा ना, दिन रात पैसा पैसा करता रहता है। कितना रिस्क देखा? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए मैंने लाइफ में कभी इतना नहीं देखा यार। 20 लाख? उसमें 20 लाख है क्या तूने देखा? तो क्या 20 लाख नहीं है? दरअसल उसमें बहुत सारे गोल्ड बिस्किट्स हैं। मिनिमम उसकी कीमत लगाऊं तो 3 करोड़। कोई भी बिस्किट हो उससे मुझे क्या, मैं साथ में हूं ना, तीनों में बराबर बांट दूंगा, समझ गया ना? गोल्ड बिस्किट है सच में, गोल्ड बिस्किट है। 3 करोड़। मेरा दिल लड़क रहा है, 1-1 करोड़ तीनों लोग बांटेंगे यार। हे, 3 करोड़ हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी यार। आज एक बात बताता हूँ और तू भी सुन ले, आज के बाद हम लोग कभी चोरी नहीं करेंगे। यार मैंने अपनी लाइफ में मस्का बिस्किट देखा है, गुड्डे बिस्किट देखा है, पार्ले बिस्किट देखा है, लेकिन गोल्ड बिस्किट कभी नहीं देखा। एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ यार। ए कहाँ है, कहाँ है वो बाइक? तुम लोग ये कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि बाइक लेकर जाओ। हम अपनी बाइक लेकर आए, तेरी बाइक तो वहीं पर थी। ए गया, सब कुछ गया। अरे सोचा था अपना जैकपॉट लग गया, तू है अपनी जिंदगी में, किस्मत ही ऐसी है, जो गया वो थोड़ी ना मिलेगा। जिस बाइक पर तू बैठा था उसमें रख नहीं सकता था, अब तक वो माल के साथ थाना पहुंच गई होगी। मतलब? अरे मतलब क्या मतलब, जान पे खेल कर मैं बच के आया हूँ, अगर जरा सी भी ढील देता ना तो आज मेरा खेल खत्म था। मैं खुद को सेव करता या फिर उस पर ध्यान देता? किसी काम का नहीं है तू नालायक। जाओ यहां से, जाओ। अरे
मेरे पास भी नहीं आया और जिसका था उसे भी नहीं मिला। गोल्ड बैग बाइक में रखा था, हमारे सिवा वहां पर और कोई नहीं था, मगर वो बाइक उस जगह पर नहीं थी। कहा था कि 20 लाख हैं, लेकिन उसमें थे गोल्ड बिस्किट्स। समथिंग इज रॉन्ग। हम तीनों को वो लोग देख चुके हैं, हम नहीं बचेंगे। तेरे साथ कौन था? कौन था तेरे साथ? हाँ? कौन था तेरे साथ? बोल। हाँ? जॉनी यार। क्या? जॉनी। मैं क्या तुझे बेवकूफ नजर आता हूँ? मटेरियल निकाल। कौन सा मटेरियल? नहीं देगा तो घुसेड़ के ओपन कर दूंगा। ज्यादा नौटंकी मत कर, जल्दी बता मेरा मटेरियल कहाँ पर है। कहाँ है मटेरियल? कौन सा मटेरियल? जॉनी, मटेरियल तेरे ही हाथ लगा है ना। लास्ट में तुम वहां से गए थे, हमें लगा तुमने उसे गायब किया होगा। गायब हो गया या तुम लोगों ने छुपा दिया? जॉनी, तुम दोनों एक ही चाल मत चलो, ज्यादा किटकिट की तो हड्डी पसली टूट जाएगी, ऑइंटमेंट भी काम नहीं आएगा। जॉनी, मुझे गुस्सा मत दिला। क्या कर लोगे? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी औकात में रह। दो कौड़ी के पंटर से डर के मैं अपनी औकात में रहूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। 420 की औलाद है ये। चल, तू क्या कह रहा है? तुझे पता है, तू जानता है ये कौन है? तू इनके बारे में जानता है? कितने सालों से तू इन्हें जानता है? तू ऐसे बोल कैसे सकता है? चल जा यहाँ से। अब सुन, उन्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमने दिया था। बोल अब क्या कर रहा है तू? जिसे लूट कर आया ना, तुझे पता है उसका नाम क्या है? मूर्ति, पूरे बैंगलोर का सबसे बड़ा गोल्ड डीलर है वो। तूने उससे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दी है। तेरे इस शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके रख देगा वो। तू उससे पंगा लेगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, यही सोचकर हमने तुझे फंसाया। मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कोई चिड़िया समझ कर रखा है क्या? मुझे तू चाहिए। तेरी गुलामी करने के लिए मैं कोई तेरा? देख जॉनी, मटेरियल मेरे हवाले कर दे, मूर्ति से बात करके मैं अपने आप को बचा लूंगा। तू पागल है क्या? तू जाकर मूर्ति से हाथ मिला लेगा तो क्या सोचता है हम तुझे छोड़ देंगे? और तू जो मुझे धमका रहा है, ये खेल मेरे साथ मत खेलना। जो जान पर खेलता है वो किसी की भी जान लेने में कभी पीछे नहीं हटता। ए जॉनी, तुम मेरे बारे में जानते हो, समझाओ इसे। यार छोड़ दे यार। अबे ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। जो हुआ सब तेरी वजह से हुआ। जिस थाली में खाया उसे में तूने छेद कर दिया, नमक हराम। अर्जुन शांत हो जा। अब आज के बाद तेरा और मेरा 36 का आंकड़ा। अर्जुन चल चल ना यार। यार अर्जुन, तुझे क्या हो जाता है? देवा सही लड़का है, क्यों मारा उसे? मेरे लिए जाल बिछाया था, अब मेरा जाल कैसा है देखते जा। अब मेरा खेल शुरू। सिर्फ इस कैमरा में ही इसका फेस सही नजर आ रहा है, दूसरे कैमरा में तो इतना ही बहुत है। पुलिस कंप्लेंट करनी है, एक रिटर्न स्टेटमेंट दोगे क्या? ये आदमी मेरे ही साथ काम करता है, इसी ने ऐसा किया है, ये हम लोग कैसे कह सकते हैं? चलो जाने तो, जो हो गया सो हो गया। उस बैग में क्या था वो हम पता लगा चुके हैं, स्कैन रिपोर्ट है हमारे पास। आप चाहते क्या है? देखिए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप इस तरह का दोबारा कोई ट्रांजेक्शन मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, आप जाइए जाइए। बैग को स्कैनर में तूने क्यों डाला? भाई उसी ने रखने के लिए कहा। उसने रखने के लिए कहा तो रख देगा क्या? वहां से दूर जाकर मुझे फोन क्यों नहीं किया? बना बनाया पूरा काम बिगाड़ दिया तूने। भाई
मुझसे पहली बार ये गलती हुई है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गलती होती है, बैग में कोई मूली भाजी नहीं थी कि कोई भी उठा कर ले जाए। 3 करोड़ के सोने थे, कहां से लाएंगे हम? हमें शक्ति भाई का हिसाब चुकाना है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। नमस्ते सर। क्या बात है, पिछले एक हफ्ते से यहीं खड़े होकर के सलाम ठोक रहे हो, क्या बात है, कोई काम है क्या? सर मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। देखो तुम्हें काम चाहिए तो मेरे मैनेजर से मिल लो, और अगर डोनेशन चाहिए तो मेरे साले से मिल लो। चलो ड्राइवर। सर सर सर, वो गजेंद्र जी के बारे में। गजेंद्र? वो कौन है भाई? सर शुक्ला फाइनेंस के मालिक गजेंद्र, वही सर। गजेंद्र नाम के किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता भाई। सर आप तो उन्हें भूल गए होंगे, लेकिन वो आपको नहीं भूले हैं सर। सर आपके ज्वेलरी शॉप में मुझे डाका डालने के लिए कहा था सर, मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे वो कौन है मैं नहीं जानता बेटा, उसकी बातों में मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं? अच्छा मजाक करते हो, ऐ ड्राइवर चलो। मैंने कहा तो उन्होंने कहा गजेंद्र को नहीं जानते, लेकिन मैंने उनकी आंखों में टेंशन देखा। आराम। डाउट हो गया था कि वो गजेंद्र का कुछ तो करेंगे, लेकिन इतना बुरा हाल करेंगे ये नहीं सोचा था। डॉक्टर, इनकी जान को तो खतरा नहीं है ना? नथिंग टू वरी सर। गजेंद्र मेरा आदमी है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए मैडम। गजेंद्र कैसे हो तुम? गजेंद्र जेल से छूटने के बाद तुम्हें सीधा मेरे पास आना चाहिए था ना? एक लड़का तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। तू किसी और के साथ मिलकर मुझे लूटने का स्केच बना रहा था, सुना है? ऐसी बातें दोबारा मत सोचना है। तेरा मेरा क्या रिश्ता है, उस लड़के को क्या मालूम? तेरी ये हालत देखकर मेरे पूरे शरीर में सनसनाहट हो रही है। जल्दी से ठीक हो जा, मैं हूँ तुम्हारे लिए, चलता हूँ। जॉनी तुम ही हो ना? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, ख्याल रखो उसका, पैसे चाहिए हैं? मिल जाएगा। कौन है यार? जॉनी, सुबह से कई बार वो मुझे फोन कर चुका है। अरे फोन रिसीव करके सॉरी बोल देना। किसे? इसे? हाँ। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, और कोई गेम प्लान कर रहा होगा इसलिए फोन कर रहा है। यार अरे अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था, याद करते ही हाजिर हो गई। हाँ एकदम सही बोल रहा है, 100 साल की उम्र है, बहुत किस्मत वाली हो तुम। हाँ तुमने क्या बताया था कि तुम क्या काम करते हो? ये लो, मैंने तो पहले ही बताया था, मेडिकल रेप। ए तुम चुपचाप खड़े रहो, चमचे कहीं के। अर्जुन मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या काम करते हो तुम? तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर सवाल क्यों कर रही हो? मैं वो सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, कम ऑन। ये जरूरी नहीं कि हम हर बार सच ही कहें, जो तुम्हें सच लगे बस उसे ही मानो। तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हाजिर रहता है। जॉनी ने तुम्हारी सारी पोल खोल कर रख दी है,
मेरे काम के बारे में उस दिन तुमने क्या क्या कहा था ना? नहीं, तूने ऐसा क्यों किया ऐसा? जॉनी रुक जा, रुक जा। जॉनी रुक, अपने आप को क्या समझता है? गजेंद्र ने क्या किया तेरे साथ? जॉनी, तुम लोग अपनी चाल हमारे साथ चल सकते हो, तो मैंने चली तो क्या हो गया? उस शक्ति बेल के पास जाकर मैं सिर्फ हाय हेलो करके ही आया हूँ। हाय हेलो करने से वो जान नहीं लेगा? तूने उस पर विश्वास करके गजेंद्र को दांव पर लगा दिया। उसने गजेंद्र को मारने की कोशिश की, मौत से लग रहा है। वो जिएगा या मरेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने तो अपनी चाल चल ली। तुझे क्या लगता है वो बहुत शरीफ इंसान है? उसने तो पैसों के लिए अपनी ही बीवी की जान ली है। गजेंद्र तो बहुत ही शरीफ है। जो गुनाह उसने नहीं किया उसी की सजा भुगतना उसकी किस्मत बन चुकी है, पता है तुझे? पहले उसने शक्ति बेल पर विश्वास किया, उसकी वजह से वो जेल गया, और अब उसने तुझ पर विश्वास किया है और तूने उसे मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया। गजेंद्र जैसा शरीफ इंसान इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। वो जिंदगी में अपने लिए कभी नहीं जिया, उसने अपनी जिंदगी को औरों के लिए समर्पित कर दिया। उसकी बीवी थी सरोजा, बेटी निवेदा, छोटा सा परिवार था, उसका रेशम का व्यापार था, बहुत इज्जत की जिंदगी जी रहा था। उसके गांव में उसके दादा ने बड़ी उम्मीद से एक छोटा सा स्कूल बनवाया था। पैसों की समस्या की वजह से वो स्कूल ठीक से चला नहीं पाए, बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो उस छोटे से स्कूल को बड़ा करके गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने के इरादे से अपना सब कुछ लगाने के बाद भी औरों की मदद लेकर एक नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया। ऐसे वक्त पर उसे आकर मिला शक्ति बेल। एक मामूली जूते की दुकान चला रहा था वो शक्ति बेल। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जरूरत तो बहुत की है, कम से कम 50 लाख। हाँ, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए पूरे गांव से भी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे इस गांव में तुमसे ज्यादा नाम वाला कौन है भाई? तुम्हें तो लोग देवता की तरह पूछते हैं। फायदा उठाओ उसका, बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। नाम लेकर क्या करूंगा सर? फाइनेंस कंपनी खोल लो। ऐसा मजाक मत कीजिए सर, मैं और फाइनेंस कंपनी? टाटा बिरला पैदा होते ही सोने का कलश लेकर आए थे क्या? कोशिश करने से क्या नहीं होता? दिमाग लगाओ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, 3% ब्याज पर पैसा दूंगा, 1% तुम्हारा होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भगवान का नाम लेकर शुरू करो। गजेंद्र ने शक्ति बेल की बातों पर विश्वास किया और शुक्रा फाइनेंस शुरू कर दिया। गजेंद्र पर सारे गांव वाले विश्वास करते थे और 3% ब्याज की लालच में आकर उन्होंने उधार करके पैसे जमा करने शुरू किए। गजेंद्र और उसके दादा का सपना पूरा हो गया। गजेंद्र शक्ति बेल पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करने लगा। हाँ, ओके। सर, मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, ब्लैंक चेक साइन करके मैं आपको दे रहा हूँ, अब जरा संभाल कर रखिएगा सर। देखो, जरा आराम से बात करो। ए, क्या आराम से बात कर रहा हूँ? तुम्हारे बाप की दौलत नहीं मांग रहा हूँ मैं, खुद का पैसा वापस मांग रहा हूँ। कब देगा ये बोल। हम अगले हफ्ते क्यों आए? हम क्या आपसे उधार मांगने आए हैं क्या? हमारा पैसा हमें दो। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। टुको, क्या बात है? सर, ये लोग अपना कुछ पैसा निकालना चाहते हैं। हाँ। मैंने इनसे कहा कि 1 हफ्ते के बाद। बाद में क्यों आए हम? 1 हफ्ते बाद क्यों आए? बताओ क्यों आए? साइलेंस। 1 हफ्ते के बाद क्यों? उनका पैसा है, वो मांग रहे, उन्हें दे दो ना। सर प्लीज, आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए। क्या है सर? अकाउंट में पैसे नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? अकाउंट में पैसा नहीं तो गया कहाँ? सर, शक्ति बैंक को आपने ब्लैंक चेक दिया था ना, उसी ने निकाल लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ए, तुम दोनों मिलकर हमारा पैसा खा गए। हाँ, देखो चिल्लाओ मत। ए, क्या चिल्लाओ मत? पैसा वापस मांग रहे हो तो बोलते चिल्लाओ मत। देखो, अभी चाहिए मेरा पैसा। पैसा मुझे अभी चाहिए। देखो, तुम लोग खाली कर रहे हो। पैसा लेकर जाइए, मेरा पैसा।
हेलो, ये क्या सच है? आपने ये ऐसा क्यों कर दिया? क्या हुआ प्यारे, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये क्या सर, मैंने जो ब्लैंक चेक्स आपको दिए थे उससे अपने बैंक के सारे पैसे निकाल लिए, अकाउंट में एक पाई भी नहीं छोड़ा, सारा खाली कर दिया सर। ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है प्यारे। जिनके पैसे हैं वो यहाँ जमा होकर ऑफिस को तोड़ फोड़ कर रहे हैं सर, क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है सर, इसलिए मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। इस वक्त तुम कहाँ हो? ऑफिस में हूँ सर। सेफ प्लेस। अच्छा एक काम करो। हाँ। मैं अपने परिचय के एक इंस्पेक्टर को भेजता हूँ, तुम उसके साथ आ जाओ। सर वो मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। जनता के गुस्से का कोई इलाज नहीं होता है प्यारे, तुम्हें कुछ मूछ नीच हो गया तो? अरे तुम्हें कोई देखने आएगा क्या? इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अब आगे किसे कैसे संभालना है वो उस सब मैं सेटल कर दूंगा, मेरा विश्वास करो प्यारे। सर आप पर विश्वास करके मैंने आपको ब्लैंक चेक दिए थे सर, ठीक। क्या आप पैसा वापस कर देंगे सर? छोड़ो ना, हाथ आए हुए पैसे कोई देता है क्या? बेवकूफ है वो, उसकी ईमानदारी का कोई यूज नहीं कर रहा था। मैंने यूज कर लिया, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, वो कब काम आएगा? गजेंद्र के अंदर जाने के बाद उसे कभी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। जिन बैंक्स ने उसे लोन दिया था उन बैंक वालों ने सारी प्रॉपर्टी ले ली, और जिसने पैसे जमा किए थे वो लोग उसके घर वालों को परेशान करने लगे। इतनी बेइज्जती उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए जहर खाकर उन्होंने जान दे दी। तड़प तड़प कर वो बरसों बाद बाहर आया है। शुक्रा फाइनेंस में जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे उन लोगों का एक एक रुपया ब्याज समेत वापस करने का फैसला किया है, और इसीलिए उसने शक्ति बेल के ज्वेलरी शॉप में डाका डालने का स्केच बनाया है, लेकिन तूने उसे नाकाम कर दिया। ऊपर वाला भी अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ऊपर बुलाता है, लेकिन पापी लोग आज भी यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आज उन लोगों को देखकर मैं सच में बहुत शॉक हो गई। अर्जुन ऑटो। घर पहुंचते ही कॉल कर देना। बाय। अब एक मिनट रुकिए अर्जुन, उनके पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। जो इंसान अच्छा करना चाहता है उनके बारे में अच्छा सोचना ही काफी होता है, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। बाइबल, कुरान, भगवद गीता, इन सब में बिल्कुल एक जैसा ही लिखा है, हर इंसान को अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना होता है। अगर तुम अभी प्रायश्चित नहीं करोगे अर्जुन, तो कल हमारे होने वाले बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। चाय का कितना हुआ? पता है जब वो शक्ति बेल आकर जॉनी तू ही है ना कहा था, तब मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। ऐसे टाइम पे हमेशा अपने पास बर्फ रखनी चाहिए। दोबारा उसका कोई स्केच बनाना चाहते हो क्या? काम हो गया तो बॉडी ठंडी हो जाएगी। भाई थोड़ा कांदा ज्यादा डाल के चार ऑमलेट बनाओ। यहाँ मेरा ऑमलेट बन चुका है, तुम्हें दूं? चाय पी और निकलो, होटल बंद करना है। बड़ी जोर की भूख लगी इसलिए बोल रहा हूँ, बनाकर दे दो। ये बताओ उस शक्ति बेल के दुकान में स्केच डालने का क्या मतलब था? वो तुम जानकर क्या कर लोगे? कोई बात नहीं बताओ। रात के 9 बजे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जॉनी का प्लान सुनकर उसमें मुझे बहुत रिस्क लगा, क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी रहती है, सारे गहने लॉकर्स में नहीं रहते हैं। काम होने का कोई चांस ही नहीं है। करना तो है इसलिए मैं करूंगा जरूर, लेकिन अपनी स्टाइल से। ए, जरा आराम से रखना। हम तुझे कुत्ते दिख रहे हैं क्या? ये है मेरा मास्टर प्लान। क्या कमाल का आइडिया है, डाका डालने के लिए नहीं जेल जाने के लिए। बकवास कर, काम शुरू होने से पहले अपशकुन वाली बात नहीं करते। क्या शुरू करने से पहले?
जॉनी, मैं प्लान बना रहा हूँ। क्या है वो प्लान? पहले सोचने दो। अरे पागल हो गया है तू, इसे क्या जेब काटने जैसा समझता है? ए सुन, एक हाफ फ्राई बना मेरे लिए। मुर्गे का बच्चा लाया हो, बड़े होकर अंडा देगी तो बना कर लाऊंगा। जॉनी, मैंने डिसाइड कर लिया है। भाई, ये प्लान बनाने में आधा महीना लगा देते और तू हाफ ऑमलेट खाते ही। तू पहले ही हमारा सारा राज उसे बता कर आया है, तेरा चेहरा भी उसके कैमरा में कैद है, तुझे क्या ये मजाक लग रहा है? तुम तुम्हारा बदला चुकाने की सोच रहे हो और मैं मसले का हल निकालने की सोच रहा हूँ। क्या मतलब? मैं उससे दूर रहूंगा तो वो क्या सोच रहा है समझ में नहीं आएगा, अगर उसके पास रहा तो। नमस्ते सर। ए, सर ने बैठने को बोला क्या? सॉरी सर, सॉरी। क्या काम है सर? वो मैंने गजेंद्र जी के बारे में आपको बताया था ना, तब आपने कहा कि आप उसे जानते ही नहीं, उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर उन्हें देख कर आया। तो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं सर, अगर मैं गजेंद्र के साथ रहता तो सारी बातें सुनकर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता। इंसान कोई भी काम करे लेकिन अपने फायदे के लिए, ऐसा आप ही ने कहा था ना सर, इसलिए। वैसे आप खुद ही समझदार हैं सर, जरा सोच कर देखिए। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। बच्चे? जी सर। लास्ट है ये? समझ गया सर, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, चलता हूँ सर। भाई मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दो भाई, माल समेत उसे आपके सामने लाऊंगा। 2 दिन देने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, अब जिंदगी और मौत का सवाल है। भाई भाई मुझे, मेरी कसम भाई, उसे छोड़ूंगा नहीं भाई। हेलो, बस बस हेलमेट पहन के रखे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हेलमेट के ऊपर ग्लास है, उससे नीचे के गिरे हुआ पैसा दिखाई नहीं दे रहा है? एक बार गुम हो जाने पे दोबारा नहीं मिलता, याद रखना। इसे रखो, शक्ति के यहाँ डाका डालते समय ये बहुत काम आएंगे। यार तू इतना सारा पैसा लेके कहाँ से लाया यार? तेरी नानी की सास शक्ति बेल ने दिया है। क्या? उसके यहाँ डाका डालने के लिए उसने ही पैसा दिया? सुनो, 4 चाय लेकर आना। यार तुम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने गजेंद्र की पोल खोली इसलिए उसने मुझे ये टिप दे दी। देखा जानी, एक इन्फॉर्मेशन के बदले इतने सारे नोट, सच कहा है किसी ने, बड़े लोग बड़े ही होते हैं। सुनो, वो वक्त के साथ चलता है, अपना काम पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके साथ रहकर तुम्हें कुछ करना है ऐसा कहा था ना, वो काम कहां तक पहुंचा? उसके लिए एक तीर छोड़कर आया हूँ। क्या है सर? आपने एक छोटी सी बात बताने पर मुझे बहुत पैसों की मदद की। सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, गजेंद्र को ही रास्ते से हटा देंगे तो आपके रास्ते का कांटा हट जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो सर। जहां तक मैं जानता हूँ, गजेंद्र का बहुत बड़ा गैंग है। उस गैंग में कौन कौन है इस बात का पता लगाने से पहले वो लोग आपका स्केच बनाकर अपना ही खेल खेल कर निकल सकते हैं। खैर छोड़िए सर, बड़े लोगों की बड़ी बातें, यहाँ आकर डाका भी डाला जाए तो वो बाहर नहीं जा सकते हैं। बिल बहुत ही छोटा जो है। आगे आप समझदार हैं सर, चलता हूँ। उसके खजाने को खाली करने का आइडिया तुझसे मांगा तो तूने उसे हमें इस दुनिया से उठाने का आइडिया दे दिया है। जॉनी भाई, अभी से आपका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है? उसके दिल में मुझे मेरा विश्वास जमाना है। अगर मेरा कैलकुलेशन सही निशाने पर बैठा तो कुछ ही देर में मेरे पास उसका कॉल आएगा। वर्कआउट हो गया। शक्ति बेल, तू जल्दी नहीं मरेगा, समझा? हेलो बच्चे। कौन? मैं हूँ बेटा, शक्ति बेल। सर सर सर, नमस्ते सर। तुमने बताया था मेरे खिलाफ कोई स्केच बना रहा है, कौन है वो? वही सर, गजेंद्र। वो नहीं, तुमने कहा था उसके साथ कोई है, कौन है वो बेटा?
सर उनके साथ पूरी टीम है सर, मुझे उनमें से किसी का नाम नहीं पता है, लेकिन आप कहो तो मैं पता लगा कर बताता हूँ आपको। तुम एक काम करोगे? हाँ बोलिए सर। उस ग्रुप में किसी भी तरह तो शामिल हो जा। अरे नहीं सर, दरअसल मुझे बहुत डर लगता है सर। डरने की क्या जरूरत है बेटे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सर ये बहुत बड़ा मैटर है ना सर। फिक्र मत करो बच्चे, मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। क्यों, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? जी है ना सर, आप कह रहे हैं इसलिए हाँ कह देता हूँ। करो काम उनके साथ करो और वफादार मेरा बनकर रहो। बॉस जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। शक्तिवेल उनके लिए जो गड्ढा खोद रहा था उसमें वो खुद ही गिर गया। अरे मेरी खोपड़ी में तो कुछ नहीं घुस रहा है, तू मुझे शौक दे रहा है। लगता है आज एक क्वार्टर ज्यादा पीनी पड़ेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कर रहा है। तुझे समझ रहा है ना तो ठीक है। वो कोई गोल्ड डीलर है ऐसा तुमने कहा था, क्या नाम है उसका? अब वो किस लिए बताओ ना। मूर्ति मूर्ति क्या कहा उसने? कुछ नहीं छोड़। अरे क्या कुछ नहीं छोड़, हम चार लोग यहाँ पर बैठकर ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उसने तुम्हारे कान में बोला क्या? अगर ये बात है तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ए अर्जुन तू टेंशन क्यों ले रहा है? अरे क्यों टेंशन ना लूं मैं, अब मैं भी उसके कान में जाकर ये बात फूंक दूंगा। कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। ए अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ए तेरी माँ ने तुझे किस वक्त पैदा किया था, उसकी आदत पता नहीं है क्या? क्या जरूरत थी उसके सामने मेरे कान में मंत्र पढ़ने की? उसी का उसी का उसी का बात कर। हाँ बोल यार। ठीक है मैं आ रहा हूं। जानी हम दोनों बाहर जाकर आते हैं, तू यहीं पर रह। जॉनी मुझे मूर्ति का नंबर दो। क्यों देते हो या नहीं बताओ, फोन लाओ। ये शिवाजी, ये शिवनगर का, ये मार्केट का नंबर 9880888888। टोटल 5 लाख हो गए हैं सर। एक्सक्यूज मी, हेलो, नमस्ते भाई। कौन है भाई? आप मुझे नहीं जानते लेकिन आपका माल मैंने ही उड़ाया था। एक्सक्यूज मी, ए तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? भाई आप इतना गुस्सा मत करो भाई। तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? भाई भाई बस एक मिनट, अब तो तू गया काम से। भाई आप नाराज मत होइए, देखिए मुझे पता नहीं था कि वो आपका माल था, और ये भी नहीं पता था कि उसमें गोल्ड है। भाई जो इन्फॉर्मेशन मिली थी ना वो रॉन्ग थी भाई। तुझे इन्फॉर्मेशन किसने दी थी बोल? वो कौन? जॉनी। चाहे वो कोई भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो सब तो बाद में देखते हैं भाई, उससे पहले यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम? इन्फॉर्मेशन देने वाले जॉनी को और माल उड़ाने वाले मुझे एक डेढ़ शाना चूना लगाकर चला गया भाई। कौन है वो? भाई वो लड़का मेरे साथ काम करता था भाई। ए तू ड्रामा कर रहा है मेरे साथ? मुझे ड्रामा ही करना होता तो मैं आपको फोन करके इतनी सारी बातें क्यों बताता। उसका नाम बोल। देव, देवराज। उसका एड्रेस बोल। भाई मुझे 2 दिन का टाइम दो भाई, मैं 2 दिनों के अंदर माल के साथ उसे भी उठा के ले आऊंगा। सुन पहले मुझसे मिलने आ, 1 घंटे में फोन करके बताऊंगा कि कहाँ आना है। ठीक है भाई। चल फोन रख। पक्का पक्का तू पॉलिटिशियंस का बाप है? अरे क्यों? क्यों मतलब क्या, हम मोबाइल में गेम खेलते हैं और तू हमारी लाइफ के साथ ही गेम खेल रहा है। वाह अर्जुन, ए अर्जुन इसलिए तू एक पिंजरे में बंद शेर को बाहर निकाल रहा है। जॉनी भाई खून की होली अकेले खेले तो उसमें मजा नहीं आएगा, लेकिन साथ में अगर 2-4 रहेंगे ना तो उसका थ्रिल अलग होता है। ए, तेरे थ्रिल के चक्कर में तू हमें क्यों घसीट रहा है? वो क्रॉस चेक किया तो सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, तभी उसे हम पर विश्वास होगा। फिर देवा का नाम क्यों लिया? बलि का बकरा वो एक ही है। भाई माचिस देना। माचिस खरीदने के लिए इसके फैक्ट्री में चलोगे क्या? आप कौन है सर? क्यों नहीं आओगे? ए, भाई किसी ने चुराया है ना? नहीं सर मैंने नहीं चुराई। ए, तू मार खा कर मरना चाहते हो? सच सच बता दो, इज्जत से सच बता दो, वरना क्रिमिनल केस लगा दूंगा, फंसा दूंगा।
क्या बात है, आज यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? सर, चीटिंग केस में एक लड़का पकड़ाया है, उसकी अच्छी से धुनाई की तो एक बहुत बड़ा मैटर सामने आया है। उसे लेके आओ। ओके सर। क्या बताया इसने? बताया एक दुकान लूटने का स्केच बना रहे हैं, वो भी शक्तिवेल ज्वेलर्स। सर 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 मैंने कुछ नहीं किया, माँ कसम सर, मुझे कुछ जाने दीजिए। चलो उधर जाके खड़ा जा। ये क्या गोपाल जी, इसे इस तरह नंगा करके क्यों लाए हो? इसके शरीर पे कितने निशान पड़े हैं, इसे शर्ट पहनाओ। अरे ला के दो इसे, इसे कुछ खाने के लिए दिया या नहीं? हाँ, दिया है ना सर। सर भगवान के लिए मुझको छोड़ दो सर। जाओ जाओ, पहले इसे यहाँ से लेके जाओ। क्या है ये सब, बैठ जाओ। स्टेटमेंट लिया है क्या? हाँ लिया है ना सर। देखो जरा सोच समझ के डील करो, ऐसे ही पहले से बहुत टेंशन है। मैं चाहता हूँ किसी भी तरह से ज्वेलरी शॉप वाले को अलर्ट कर दे सर। सेफ्टी के लिहाज से कह रहा हूँ सर। पहले मीडिया वालों को बुलाओ, एक स्टेटमेंट दे दो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ज्वेलर शॉप के चमचे हो, कभी कभी पुलिस वालों जैसे भी बातें करो। अच्छा ये बताओ कि उस लड़के के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है क्या? नहीं है सर। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर ये मामला कोर्ट में चला गया ना, तो मेरी दो कौड़े की औकात नहीं रहेगी। देखो जो भी करो सोच समझ के किया करो, अगर उस लड़के को कुछ हो हवा गया ना, तो होम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगने के लिए ओपोजिशन वाले सड़क पे उतर आएंगे। क्यों बिना मतलब मुसीबत मोल ले रहे हो, समझा करो बात को। सर मेरे हिसाब से ये सीरियस मैटर है सर। ऐसा है क्या? हाँ सर। ठीक है एक काम करो जॉनी, ये टोटल बिल्डिंग प्लान है, इसकी एंट्री यहाँ से है, हम लोग यहीं से अंदर जाएंगे, और एग्जिट यहाँ से है, और इसका लॉकर यहाँ पर है। मुझे इससे बात नहीं करनी। कहुए की औलाद, बहुत अच्छा खेल खेल रहा है। प्लान? सर ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, उनका बनाया हुआ प्लान है। ठीक है, उसमें तुम कहाँ रहोगे? सर उनको साथ में लेकर मैं ही तो आऊंगा, और सारा का सारा माल पैक करके शिफ्ट भी तो मैं ही करूंगा सर। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा सर। तो तुम उनके साथ रहोगे ना, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं सारी खबर देना। ये बात उन्हें पता चल गई तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा सर। मैं हूँ तो रिस्क कैसा। अच्छा तुम अंदर जाओगे कैसे? इमरजेंसी एग्जिट से अंदर जाऊंगा सर। लेकिन वहां तो सिक्योरिटी है ना? उसे कुछ देकर लुटका दूंगा सर। क्या? और उसके बाद आपके ऑफिस में एंटर होंगे सर, उस वक्त मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, उस वक्त सिर्फ यही साबित होगा कि वो लोग सिर्फ चोरी करने आए थे। वहां से जैसे तैसे तुम लॉकर में एंट्री करोगे। वो कैसे? सर सीलिंग में बड़ा ड्रिल करके होल बनाकर वहां से एंट्री करा देंगे। हाँ सर, वो तभी पकड़े जा सकते हैं। नहीं 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 सर, फिर वो लोग आइटम लेकर निकल जाएंगे सर। मैं भी तो वही चाहता हूँ। निकलने दो, उन्हें सब लेकर निकलने दो, तभी तो चोरी का पक्का केस बनेगा। तू कुछ कह रहा था ना, वो चूहा बिल्ली लाठी कुछ कुछ। सर वो तो फ्लो में ऐसी बोल दिया। बिल्कुल ठीक कहा बच्चे, जाओ 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 शुरू करो जाओ। सर वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं हूँ ना। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते भाई, कल कांटेक्ट करना। जिया जी, ये आदमी फिर से क्यों आया? कौन? वही जो उस दिन पैसा लेकर गया था। कौन लेकर गया था? पता नहीं क्यों मुझे उस पर बहुत डाउट हो रहा है जिया जी। वो लड़का आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं। छोड़ना। क्या छोड़ू, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ ना। तुम अपना काम करो, आओ मेरे साथ। सुनो तुम बाहर जाओ, तुम भी जरा बाहर जाओ। ठीक है सर। तुम जरा इधर आओ। जानते हो इन लॉकर्स में क्या है?
इसमें और इसमें गहने। क्या गहने? एक बार फिर से बोलो। गहने कितने हैं? साउंड वहां नहीं यहां निकाल। ओरिजिनल कितने हैं, डुप्लीकेट कितने हैं? हे, तुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ उबलता रहता है। गाय खरीदने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो दूध कितना देती है, समझ गए बेटा? एक लड़का आकर कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ डाका डालने वाला है। मैं कहूँगा आजा बेटा, यहाँ डाका डाल और लेकर चला जा सब कुछ, चला जा। ऐसा कहने वाला मैं पागल हो गया क्या रे गधे? जब मैं बेंगलुरु आया था तो 300 रुपए थे मेरे पास, लेकिन आज की तारीख में 32 बैंक्स में मिनिमम 300 करोड़ का बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ। हाथ पैर नहीं चलाता मैं, दिमाग लगाता हूँ। ये शक्ति वेल जो भी करता है ना, बिना फायदे के कुछ नहीं करता। इसमें जितने भी गहने हैं ऑलमोस्ट 60% ब्लैक हैं। ये तुझे नहीं पता, चोरी कर रहा है ना, करने दे। इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, ब्लैक को व्हाइट करूंगा। खास कर से मेरा निशाना वो गजेंद्र है। शराब पीकर घर में लफड़ा करने वाले का केस लेते रहेंगे तो ऐसे केस की देश में भरमार हो जाएगी। जाओ इसे अपने घर में निपटाओ, जाओ, पहले ही काम से फुर्सत नहीं मिलती, जाओ। ए, क्या हुआ रे? सर, मुझे साहब से मिलना है। अच्छा, साहब अंदर है, जाओ। अरे बहन जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाओ, गेट के पास तुम खड़े रहोगे, कोई तुमसे पूछे तो कहना मैं नहीं हूँ, समझ गए ना? सर फोटो। सर दिन रात मुझे कोई फॉलो कर रहा है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा सर। बैठो। सर अब पता चल गया ना वो कौन है, एक्शन ले ले सर। क्या कौन है ये तो पता चला, लेकिन ये वही है, इसकी क्या गारंटी? तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है क्या? सर हमारे एविडेंस ढूंढने तक वो सारी दुकान लूट कर निकल गया तो क्या करेंगे सर? क्या बात है, उस ज्वेलर शॉप से तुम्हारा बड़ा करीबी का लगाव है। ऐसा हा? नहीं है सर, चोरी होने के बाद ही हम किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उस लड़के का जरा यूज करो। पूरा डिटेल्स तो उन्हें समझा चुका है, अब आइटम वहां कैसे लेके जाएगा यार? क्या कंफर्म यार, सलाके जेल, दोनों एक ही हैं, जरा चुप रहेगा। जॉनी मैं एक बात बताना भूल गया, मेरे दादाजी बहुत सीरियस है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक वीक की बात है। जॉनी अगर उसे फिट करने के चक्कर में हमें फिट कर दिया तो हमारा क्या होगा यार? डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, गेट रेडी फॉर एक्शन। हेलो सर, वो लोग 20 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। ए, ट्रेन खाली है, सिर्फ सोते मत रहना उसमें, जागते रहना। ओए, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये दुकान हम लोगों की है सर। दुकान वाले हो तो अंदर रहो, बाहर क्या कर रहे हो? ठीक है सर, भाई जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ए, गाड़ी रोको, पीछे लो, पीछे लो। जिया जी, हम लोग गाड़ी के पास ही हैं। वहाँ पर कोई अनजान गाड़ी आई थी क्या? नहीं जिया जी, लेकिन कुछ गाड़ियाँ पास जरूर हुई हैं। भाई साहब, आगे से रास्ता है क्या? वाटर डिपार्टमेंट वाले आने वाले हैं, वहाँ हाँ। कुछ खुदाई चालू है हाँ। इसलिए वहाँ बोर्ड लगा है। ओके भाई साहब, ये एड्रेस कहाँ का है जरा देखकर बताओगे? हाँ, देखो जरा लाइट में हो, अच्छे से दिखेगा। सर वो दुकान के अंदर आ गया। ओके सर, वो दुकान में एंट्री कर चुका है सर।
हेलो भाई, मैं हूँ भाई। अबे क्यों फोन किया भाई? गुस्सा मत हो भाई, मैं एक छोटे से प्रॉब्लम में फंस गया था। ए गाड़ी रोक, खेल खेल रहा है मेरे साथ। भाई माल मिल गया भाई, आप अपने लड़कों को सर्कल के लाल बत्ती के पास भेजो तो मैं उनके हाथ में दे देता। गेम मत खेलना मेरे साथ भाई। नहीं भाई सच में दे रहा हूँ भाई, उन्हें भेजो तो सही। ठीक है। सर बोल बच्चे। हम सब लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और ऊपर भी चढ़ गए हैं, अब काम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले सोचा आपको फोन करके बता दूं। हर एक मिनट वहाँ क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहो, समझ गए ना बच्चे? तो अभी क्या चल रहा है? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं सर, किसी ने अगर देख लिया तो। ये बात है, समझ गया। सर आप क्या चाहते हैं ये मैं जान गया हूँ सर, मैं सब संभालूंगा। कोई मुझे देख लेगा इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ठीक है सर, मैं फोन रख रहा हूँ। ठीक है। क्या है? बेसमेंट में आने से पहले तूने ग्रीन कलर का अंडरवियर पहना है, उसमें वर्मा नाम का टैग लगा हुआ है, ये भी बता देता क्यों छोड़ दिया यार। चल आजा। ठीक है जी आजी। वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, अब हम उन पर अटैक कर सकते हैं सर? जल्दबाजी मत करो, उन्हें पहले चोरी करने तो दो। क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे बचा लेना और उन्हें फंसा देना, मैं जरा भी फिक्र नहीं करूंगा। मैं नहीं। अरे यार तुम दोनों को मेरे घर का एड्रेस पता है ना? क्यों? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बॉडी को वहां तक तो पहुंचा दोगे ना? किस लिए? ताकि लोग मेरे अंतिम दर्शन कर सके, मेरे परिवार के लोग बेचारे। वहाँ ड्रिल मशीन है, उसे रेडी कर। कौन सा मशीन? ड्रिलिंग। ड्रिल मशीन। कान के साथ मुंह भी ढका हुआ है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी सुनाई दे गया है। ओके।
हेलो, तूने जहाँ कहा था वहीं खड़ा हूँ। वो जगह सही नहीं है, बहुत क्राउड है वहाँ पर। आप एक काम करो, गोलकुंडा के पास वाले अंडरपास के पास आ जाओ। क्राउड है? ए, तू बेकार में टेंशन दे रहा है मुझे। ए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अगर माल चाहिए तो जल्दी आ जाओ। ए, कहाँ है तू? इतनी जल्दी आ भी गए? मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ। पता नहीं ये चाबी कहाँ रखी है। ए, तू मुझे बेकार में टेंशन दे रहा है। ज्यादा चिल्लाओ मत, अगर तुम्हें जल्दी है तो डीवीजी रोड पर श्री साई ज्वेलर से वहां पर आ जाओ। अब वो लोग कभी भी बाहर निकल सकते हैं। तू जरा एक काम कर, हम यहाँ से नीचे उतरे तो कुछ भी हो सकता है। हमारा टाइमिंग वर्कआउट होने के लिए ये सही मौका है। अगर इसमें हम फेल हो गए ना, आई एम सॉरी। सर, एक्स्ट्रा पुलिस वाले को बुला लूं सर? सेफ्टी के लिए बुला लो। सुनिए सर, सारा माल पैक करके नीचे उतारने की तैयारी की है सर, लेकिन सोचा उससे पहले आपको कॉल कर दूं तो। सर, आपके लड़के लोग नीचे ही खड़े हैं ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम लोग किस तरफ से उतरने वाले हो? सर, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो लोग लेफ्ट साइड से उतरने वाले हैं। सुन, अपने लड़के को लेफ्ट साइड में रेडी रहने। ठीक है जी। अजी हेलो सर। सर, मैं इतना बड़ा रिस्क जो उठा रहा हूँ तो मुझे कुछ होगा तो नहीं ना सर? वैसे मुझे आप पर भरोसा तो है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं हूं ना बच्चे। थैंक यू सर। रस्सी राइट साइड में बांधो। ए, पहले लेफ्ट साइड में बोला, राइट साइड बोल रहा है। ये सब गेम है, जाओ बांधो। मैं लेफ्ट साइड क्लियर करके राइट में डाल रहा हूं। जिया जी, राइट साइड में रस्सी डाली जा रही है। जिया जी समझ गया, कौए को देखते ही समझ गया था, एक नंबर का चीटर है वो। मेरे साथ डबल गेम खेलता है वो। एक दिन का भी नहीं जाना चाहिए वहां से, और उस लड़के को तो जरा देख लेना। ठीक है जी अजी। ए, उतार इसे। हेलो, मैं पहुंच गया हूँ भाई। दुकान के अंदर आ जाओ। दुकान के अंदर माल चाहिए तो आ जाओ। हे, चलो। सामने गेट दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। गेट के अंदर आ जाओ। उसमें लॉक लगा है। जोर से धक्का मारो, खुल जाएगा। सर, वो सब गेम बजाकर भागना चाहते हैं, मैंने इसलिए इतना खतरा लिया सर, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। ए, कौन है तुम लोग? आइटम लेने के लिए आए हैं। आइटम लेने? हेलो, सारा माल लाकर तुम्हारी गाड़ी में रख दिया है। अच्छा, सॉरी बॉस, आइटम गाड़ी में पहुंच गई है। ए, चलो बे। ए, चलो।
हाँ चलो आजा चलो सर, नाक की एक नथुनी मिली है सर। ए, बाहर जाओ यहाँ से। तुम। सर, इस बेचारे पे क्यों गुस्सा हो रहा है? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। कैसे नहीं आएगा गुस्सा? पूरा खजाना खाली हो गया और ये ऊपर से नाक की नथुनी दिखा रहा है। सर, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया है, किसी ने मुझे जबरदस्ती फंसाया है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। मेरे गहने कहाँ हैं? आपके गहने सेपरेट रखे हैं सर। ये क्या है? वहाँ देखो, पूरा का पूरा लॉकर खाली हो गया है। ये चिंदी भर मुझे क्या दिखा रहे हो? आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने कुछ लोगों को पकड़ के जेल में बंद किया है, वो लोग सही सच्चाई बताएंगे, उन्हीं से पूछते हैं। वो बोल रहे हैं कि आपके आदमी। दरवाजा खोलो जरा। जी जी, मेरा साला है। अरे, तुमने इन्हें बताया नहीं क्या? बताया मैंने, इसीलिए तो सर इन्हें सेपरेट जेल में बंद किया है। तुम बाहर आ। अरे, मैंने फोन किया तो उठाया क्यों नहीं? अरे, फोन इनके पास है ना। कहाँ इन लोगों का मोबाइल? और वो कहाँ है? कौन? लगता है साहब कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। गेम खेल रहा है तू? आप लोग तो बड़े लोग हो सेठ, आप लोगों से कौन गेम खेल सकता है। हाँ, लेकिन बस छोटा मोटा गेम तो खेल ही लेते हैं। हे, अपनी उंगली पर मैं ना जाने कितनों को नचाता हूँ, लेकिन तूने तो मेरी टांग ही खींच दी। आप तो बहुत ही बड़ी बात कर गए सर। मिलना नहीं चाहोगे? वैसे ज्यादा सोचिए मत सर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मेरा कहना आपको मानना ही पड़ेगा। आ जाओ, बात करते हैं। कहाँ? सर, नमस्ते सर। सर, जर्नी करके टायर्ड हो गए क्या? तो जरा आराम कर लीजिए ना सर। हे, क्या चाहिए तुझे? मुझे क्या चाहिए ये जानने से पहले ये जान लो कि तुम्हें क्या करना है। शुक्ला फाइनेंस। क्यों, शौक लग गया? तुम जितना जो कुछ भी खोते हो वो वापस यहीं पर पाते हो, यह भगवत गीता में लिखा है। एक 30 करोड़ रुपए देकर अपना सारा माल यहाँ से ले जाओ। ये तुम्हारा साला है, इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ। जरा समझा देना इसके भेजे में बात। हे, तू जरा चुप रहेगा क्या? देख, नो डायलॉग्स, ओनली एक्शन। पैसे दो और अपना माल लेकर जाओ, नहीं तो वहां देखो। मुकेश, हेलो। सब कुछ उसी के पास है, उन्हें खुद नहीं पता कि उसमें क्या है। बस उसे सिंपली एक सिग्नल दे दिया ना, तो सारा माल दरिया में डाल देगा। उसके बाद अगर तुम्हें तैरना आता है तो जाकर निकाल दो। ए, वो इंश्योरेंस वालों को बुला ले जरा। क्या इंतजार करूं, फोन रख। ए, वो छोटा बाजार जाकर के मेरे सेठ से मिल, उससे पैसा लाकर इसके मुंह पे मार। इंश्योरेंस क्लेम करने से हमारा ही फायदा है, इसमें 30 करोड़ वो खाएगा। ले जाने दे, फिर भी हमारे पास बहुत बचेगा। जिया जी, पैसे मिल गए, आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ। यहाँ क्यों आया है? पैसा मुझे लेना है तो उसके लिए यहाँ हुआ क्यों भटकूं? चल फटाफट डिक्की खोल। कहने मिलने से पहले एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। पैसा मिले बिना तुझे सोने का एक ग्राम भी नहीं मिलेगा। क्यों अपना गला खराब कर रहा है? पूरा सोना मैं कंधे पर लाद कर घूमूंगा क्या? उसे रखने की जगह पर ही रखना पड़ता है। चल डिक्की खोल। सर,
मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ सर। मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई है। कभी भी एक मिनट लेट भी अपनी दुकान नहीं खोलता था मैं। कुछ करो सर, कुछ करो सर। टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना, हम लोग सब संभाल लेंगे। सर मुझे इंश्योरेंस दिला दो सर, इंश्योरेंस दिला दो सर। आपके मांगते ही देने के लिए ये कोई बैंक नहीं है। देयर आर सम प्रोसीजर्स, पहले इंक्वायरी होगी, फिर पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। इट विल टेक सम टाइम। कब तक तो मेरी लाश गिर जाएगी सर। तुम्हारे घर वालों को दे देंगे। सुन लिया, ये लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। ए, जल्दी गोली लेकर आ। अरे पानी कौन देगा। सारे गहने को तो कहीं छुपा क्या है, फिर हमें इतने रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी। गहने वहीं पर सेफ हैं, उसे लेकर हम बाहर नहीं भटक सकते। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा, और पैसा आएगा। तू जानता है मेरा मेन शिकार कौन है? वो शक्ति बेल नहीं है। देखता जा, उसके साले को मुझे सबक सिखाना है। हमारे दुख को तूने समझा यार, अब नाराज तो नहीं है ना? तू चाहता था ना कि मैं कोई बड़ा काम करूं, तो चल फिर अब रिस्क उठा ले। ए, भाई किसी ने चुराया है ना? किसी ने सर। हाँ मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ। दुकान लूटने के लिए इन लोगों ने कहा, ऐसा मैं कहूँगा तो ये लोग मानेंगे नहीं। हमें सच्चाई साबित करने के लिए कोर्ट को चाहिए गवाह और सबूत। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है सर। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ही ऐसा प्लान बनाया हुआ है अपने ही लोगों के द्वारा। सारा एविडेंस पक्का है सर। नो ऑप्शन सरेंडर। सारे गहने मिल गए सर। चोरी हुए माल की कीमत क्या है सर? सुना है आपने इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए खुद ही चोरी करवाई थी। मैंने कहा था ना, ये डेढ़ शाना है। नामुमकिन काम को मुमकिन किया है इसने, इसमें कोई शक नहीं। पहुंच लिए सर, और ये पैसे जिन जिन को देने हैं उन्हें अपने हाथों से देकर अपने माथे पर जो कलंक लगा है उसे मिटा लीजिए। मैं भी पैसे देना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक को। प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। गजेंद्र जी कैसे हैं? वो ठीक है। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। अर्जुन, थैंक्स। थैंक्स किस लिए? तुमने कहा इसलिए मैंने किया। बाय। मैंने कितनों को टोपी पहनाई है, लेकिन कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे। लेकिन आज खोई हुई चीज वापस पाने के बाद बहुत खुशी मिलती है, और जहां से हमारा दिल बदल जाए समझो सवेरा वहीं से है। ये लो बेटा, तुम्हारे पहचान वाले हैं इसलिए मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। बाइक चोरी हुई थी तब भी मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया था। इस गाड़ी के लिए 25,000 रुपए दिए थे, वो दे दो बेटी। Thank you so much.
ज्यादा लालच नहीं, ये हमारा नहीं है, इसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, इसे हम ही रख लेते हैं। ए, ए, बहन बिल्कुल सही कह रही है, तू अपना मुंह बंद रख, जब दो बड़े लोग बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। यू कंटिन्यू सिस्टर। तुम सबने अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर पता नहीं कितने सारे परिवारों के आंसू पोंछकर उन्हें फिर से बसाया है। उस मेहनत के लिए ऊपर वाले की तरफ से ये गिफ्ट है, एंजॉय करो। So, what next? शादी के एक साल तक ऐश करेंगे, शादी के दो साल के बाद फैमिली प्लानिंग करेंगे। अगर तुम सच में मर्द हो तो चार बच्चे दूंगी तुम्हें, और अगर तुम ना मर्द निकले तो तुम्हें छोड़कर भी भाग सकती हूँ।